सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको हम OCB भी कहते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। दोस्तों देखिए, अगर आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं तो आप हमारी व्हाट इज सर्किट ब्रेकर एंड व्हाई इट्स नेसेसरी वाली वीडियोस एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये एक ऑयल सर्किट ब्रेकर का एक यहाँ पे इसके इंटरनल पार्ट्स एंड उसको दिखा रखा है कि ये किस तरीके से इसके कॉन्टैक्ट ऑयल में डूबे हुए होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये एक सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, अगर आप इसे किसी सब स्टेशन में देखेंगे तो इस टाइप के जो भी अगर आपको सब स्टेशन के अंदर कंपोनेंट दिखेंगे वो सर्किट ब्रेकर है। ओके, तो सब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किट ब्रेकर होते क्या है। देखिए, सर्किट ब्रेकर एक हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब ये प्रोटेक्टिव डिवाइस किस तरीके से हैं कि जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं इन पे जो इनपुट देते हैं हम, है ना, इन पे इनपुट देते हैं और इसका जो आउटपुट होता है हम वो आउटपुट अपनी किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को देते हैं, यानी कि जो हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का इनपुट होता है वो किसी न किसी सर्किट ब्रेकर का आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये हम अपने किसी भी मशीन से पहले इसलिए लगाते हैं कि ताकि अगर हमारी मशीन कभी भी अनहेल्थी कंडीशन में रहे तो ये सर्किट ब्रेकर उस कंडीशन में हमारी उस मशीन को प्रोटेक्ट करे। अब वो मशीन हमारी ट्रांसफार्मर भी हो सकता है या फिर हमारी मोटर्स हो सकती हैं, हमारी अदर मशीन्स हो सकती हैं, वो हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो ये जो सर्किट ब्रेकर, जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं हमारे, चाहे वो MCB हो, चाहे वो MCCB हो, चाहे वो RCCB हो, चाहे वो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, एयर सर्किट ब्रेकर हो, या फिर ABCB हो, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, कोई सा भी सर्किट ब्रेकर हो, है ना, ये हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमको ज़रूर पता होना चाहिए। इनका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इनके बारे में ये मान के चलिए कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए, ये है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये काम किस तरीके से करता है, क्योंकि देखिए जब भी हम इसको इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद जब भी हमारी मशीन जो होती है वो अनहेल्दी कंडीशन में रहती है तो ये सर्किट ब्रेकर उस कंडीशन में इसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो मतलब कि हमारे सर्किट को, अनहेल्दी सर्किट को सप्लाई से अलग कर देते हैं। ठीक है, सप्लाई से अलग कर देते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, जो आगे मशीन चल रही है या कोई इलेक्ट्रिकल ग्रिड चल रहा है, कुछ भी है, वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये दो टर्मिनल होते हैं। ओके, और इसके जो रिमूविंग मतलब कि जो जो कॉन्टैक्ट रिमूव होते हैं, मतलब जो कॉन्टैक्ट खुलते हैं या फिर ये कह लीजिए कि जो कॉन्टैक्ट सप्लाई को हमारे लोड से अलग करते हैं, ये हमारे ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल में डूबे हुए होते हैं। ये एक ऑयल का कंटेनर होता है, अब इसे कंटेनर कह सकते हैं, ये कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर ऑयल हम भर के रखते हैं ताकि जब भी हमारे कॉन्टैक्ट, देखिए एक कॉन्टैक्ट ये है और एक कॉन्टैक्ट ये है और यहाँ पे ये एक प्लेट टाइप की होती है। ठीक है, तो जब भी ये कॉन्टैक्ट अलग हो तो देखिए, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होते हैं हमारे वो 11,000 वोल्ट एंड 150 मेगा वोल्ट एम्पियर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो जब भी इसके कॉन्टैक्ट अलग होते हैं, यानी कि जब भी ये लोड को सप्लाई से अलग करता है, तो क्योंकि हाई वोल्टेज हाई करंट है तो स्पार्किंग होना एक मतलब कि कॉमन सी बात है ना, क्योंकि जब भी हाई वोल्टेज से कॉन्टैक्ट हमारे अलग करेगा ये सर्किट ब्रेकर तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो वहाँ पे आग लगने का खतरा बना रहता है। तो जो इसीलिए हम इसके जो कॉन्टैक्ट हैं, जो अलग होने वाले कॉन्टैक्ट हैं,
ये कॉन्टैक्ट जब भी अलग होते हैं तो स्पार्किंग पैदा होती है, और इसीलिए इनको ऑयल में डुबो के रखा जाता है ताकि जब भी इसमें ये अलग हो और स्पार्किंग हो तो ऑयल से इसके अंदर जो स्पार्किंग जो हो रही है, जो आर्क पैदा हो रहा है, वो पैदा ना होने पाए, ठीक है। इसलिए हम इनको ऑयल में रखते हैं। और जो ऑयल जो होता है, ऑयल हमारा एक तरीके का इंसुलेटर का काम करता है, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो जैसे कि ये दिखा रखा है, ये एक ऑयल टैंक है और यहाँ पे हम ऑयल का जो लेवल है उसे मेंटेन करके रखते हैं, और रेगुलरली ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि इसका ऑयल लेवल कम ना हो जाए या फिर ऑयल जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनी रहे। ओके, तो हम ये चीज़ इसकी चेक करते रहते हैं। तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि ये किस तरीके के डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब किस तरीके से ये बनते हैं और इनका काम क्या होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर्स का। तो यही है कि इसके जो रिमूविंग कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे ऑयल में डूबे रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर एक यहाँ पे हमने अलग से दिखा रखा है आपको, ये देखिए इसका जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाले पोर्शन है हमारे, ये वाला ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये हमारे सर्किट ब्रेकर जो कंटेनर है हमारा ऑयल का, इसके अंदर फिक्स रहता है, ठीक है। और जो ये वाला कॉन्टैक्ट है ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जब भी हमारी जो मशीन है या हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो जब अनहेल्थी कंडीशन में रहता है या फिर उसकी इंटरनल वाइंडिंग्स में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर कोई अदर फॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में ये सर्किट ब्रेकर हमारे सप्लाई को लोड से अलग कर देते हैं, तो जो मशीन है हमारी जो कि बहुत कॉस्टली होती है वो डैमेज होने से बच जाती है, ठीक है। तो यही है कि इसके अंदर एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहते हैं और एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहते हैं। जब भी हमारा मशीन अनहेल्थी कंडीशन में रहती है तो इस सर्किट ब्रेकर्स में से वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और ये सर्किट ब्रेकर लोड को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब देखिए हमारे कोई भी मशीन है, अगर उसको हम अपने सिस्टम में अगर उसको लगा रहे हैं, तो चाहे हमारी मशीन हो या हमारे कोई कंपोनेंट हो, ये सर्किट ब्रेकर भी एक तरीके की हमारी मशीन ही होती है, तो उनका रेगुलरली मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए मेंटेनेंस भी हमारे कई तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस और भी कई तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। जो शेड्यूल मेंटेनेंस होता है वो हमारा एक तरीके का शेड्यूल बना हुआ होता है ना, कि हमको 3 मंथ्स में या फिर 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में हमको इसका मेंटेनेंस करना है तो करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बाइक खरीदते हैं, है ना, तो जब बाइक खरीदते हैं आप तो कंपनी आपको एक बुक भी देती है उसके साथ में, और उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि आपको कितने किलोमीटर बाइक चलने पर सर्विस करवानी है, और आप उसका एयर भी चेक करवाते हैं रेगुलरली, तो वो भी एक तरीके का मेंटेनेंस ही है। जो आप रेगुलरली बाइक का एयर चेक करवाते हैं या फिर जब आपका किलोमीटर जब पूरे हो जाते हैं एक शेड्यूल के बाद, तो आप उसका मेंटेनेंस करवाने के लिए उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, है ना, तो वो एक शेड्यूल मेंटेनेंस है। तो इसी तरीके से हमारी जो मशीन्स होती है इनका भी हम शेड्यूल मेंटेनेंस एक तरीके से करके रखते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन जब डिजाइन की जाती है तो उसी टाइम पे उसका इंजीनियर्स क्या काम करते हैं, उसी टाइम पे उसकी जो शेड्यूल मेंटेनेंस है उसको भी देखते हैं कि कितने टाइम के बाद इस मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है कि इस मशीन जो इसका ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसका जो मेंटेनेंस होता है हमारा, इसको हम 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में, हर 3 मंथ और से 6 मंथ के बीच में हमको ये करना होता है। अब देखिए इसमें मेंटेनेंस में करना क्या होता है, इस ऑयल सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। देखिए इसमें सिर्फ दो जो है मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो पहली प्रॉब्लम्स ये है कि ये कॉन्टैक्ट जो मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे, क्योंकि जब भी सर्किट को सप्लाई से अलग करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं और डिसकनेक्ट करते हैं, तो आर्क पैदा होती है। तो आर्क पैदा होने से जो हमारे यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट होते हैं इसके, ये कॉन्टैक्ट कुछ समय बाद जल जाते हैं, है ना। तो जलने के बाद, उसके बाद जब एक बार जल जाते हैं तो फिर बाद में ये ज़्यादा स्पार्किंग करने लगते हैं, है ना, तो इसीलिए या फिर प्रॉपर काम नहीं करते, तो फिर इसीलिए हम इनके कॉन्टैक्ट को हमको चेक करना होता है एक शेड्यूल के बाद। और उसके बाद हम इसको अगर ख़राब हुए होते हैं इसके कॉन्टैक्ट तो हम इनको अलग चेंज कर देते हैं। और दूसरा जो हमको जो इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ऑयल।
ये ऑयल का हमको इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ठीक है या नहीं, और दूसरा हमको ऑयल का जो लेवल है वो चेक करना होता है, ठीक है, कि ऑयल का लेवल एक सही लेवल पर है या नहीं है, वो भी हमको ऑयल सर्किट ब्रेकर में चेक करना होता है। और बाकी इसके जो टर्मिनल्स वगैरह हैं, देखिए ये टर्मिनल्स हैं, ये सही तरीके से मतलब कसे हुए हैं या नहीं है, सही तरीके से ये सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट है या नहीं है, या फिर जो हमारे इनपुट्स की वायर हैं और आउटपुट की जो वायर है इस सर्किट ब्रेकर्स की, मान लीजिए हमने 3 इनपुट दे दिया 3 फेज में और 3 यहाँ से आउटपुट ले लिया, तो ये जो इसके जो हमने ये वायर लगाए हुए हैं इसके जो कॉन्टैक्ट हैं ये सही तरीके से लगे हुए हैं या नहीं है, तो यही चीज़ें हमें इस ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखनी होती है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।